हमारे साथ हैं एहतिशाम साहब। एहतिशाम साहब, ये आदि भाई ने कुछ सवालात मासूमाना तैयार किए आपके लिए खास तौर पे, तो अगर आप इजाजत दें तो हमारे चले भाई बढ़ते हैं आप मासूमाना ओवर की पहली गेंद की जाने। चले भाई, जनाब आदि ये पूछते हैं, ये खाली जगह पूर करें। अच्छा हाँ, डैश ठीक मतलब है, ये फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट। मतलब वो तो हम माहिर हैं खाली जगह पूर करने में, पाकिस्तानी तो आपने देखा होगा हम कहाँ छोड़ दें। मतलब जो भी खाली जगह पूर करेगा या डैश को पूर करेगा वो बड़ा डैशिंग होगा, ये आप कह रहे हैं। ये करेक्ट, दैट्स राइट, दैट्स राइट। तो शुरू आपकी इजाजत से करते हैं। ये पूछते हैं कि मैं बड़ा डैश हूं लेकिन लोग जानते नहीं है। मैं बड़ा मैं बड़ा मासूम हूं लेकिन लोग जानते नहीं है। अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है आप भी नहीं जानते ये आपको भी अभी पता लगा है कोशिश करता हूं फिर भी कभी कभी डैश बन जाता हूं, कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी कभी कभी हार जाता हूं, हार जाता हूं। अच्छा ओके, किससे? वक्त, हालात के हाथों। ओके, सच्ची बात तो ये है कि हर इंसान ही थोड़ा बहुत डैश तो होता है, थोड़ा बहुत तो होता है। नहीं नहीं सर भाई, फील करेंगे ना, फील करेंगे हर इंसान। सच्ची बात ये है कि हर इंसान थोड़ा बहुत डैश तो होता है, थोड़ा बहुत सच्चा तो होता है, थोड़ा बहुत सच्चा होता है। ठीक है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच डैश है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि मैं हूं। ओके, और मेरी आदि भाई आप तैयार हैं? कल अब ये देखिए, ये जो सवालात आप लिख लाए ना ये बड़े गहरे एक, हाँ एक जमाने ये आदि भाई जो हाँ। मुझे याद आ गया अपना एक पेपर जो उर्दू में पेपर आता था तो उसमें बास फिल इन द ब्लैंक्स भी हाँ, 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 तो उसमें एक आया था कि डैश उदास है यारो, डैश से कुछ तो कहो कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र डैश चले आज। तो ये इसी तरह के सवाल है उस टाइप के। तो चलो अगला यही कर लेते हैं, ये सवाल जिसने ये बनाए वो खुद बड़ा डैश है। ये सवाल जिसने भी बनाए हैं वो बहुत अकलमंद है। अच्छा अच्छा, एक आदी सब पे भारी और बुझो एक मिनट, क्योंकि कल जब हैदर रिजवी साहब आए थे और मैंने आपको क्रेडिट दिया कि सवालात आपने बनाए और सवालात जरा सख्त थे, तो सवालात खत्म होने के बाद ऑन एयर कसम खा के कहने लगे कि मैंने नहीं बनाए सर सवालात, मैंने नहीं बनाए। देखिए आज क्यों क्रेडिट ले रहे हैं वो, देखिए अकलमंद है ना। बात ये वो कल हथियारों की बात कर रहे थे, मुझे घर जाना था, मुझे घर पहुंचना था, अच्छा इसलिए डर गया था। वैसे भी इन्होंने सच ही बोला वो बहुत उनको पता इन्होंने नहीं बनाए सही है। पाकिस्तान में होने वाले हाल ही इंतखाबात डैश थे, खबरदार पाकिस्तान में होने वाले हालिया इंतखाबात झूठा सच थे, झूठा सच बहुत डीप। पाकिस्तान के वजीर आजम की हैसियत से आज हलफ उठाने वाले साहब डैश हैं। मुझे इजाजत है सर, मैं पूछ रहा हूँ, अच्छी बात है सर, अभी आप अभी ना जाएं, अभी आपके साथ होगी फिर जाएगा ठीक। हाँ, काबिल रहम, काबिल रहम, अच्छा नोट कर लिया मैंने और क्योंकि छह महीने लोग कह रहे हैं कि छह महीने चली। आपको ये लगता है? मुझे ऐसे, आपको भी ऐसे लगता है? बिल्कुल ऐसे। भाई अच्छा, ये तो मैंने जुमला बोला तो आप लोगों में नहीं है क्या? बस भाई हम साथ खेलते रहे, ये कौन लोग आपके बाद माइंड क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने लोगों में शुमार किया? ये कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं, कौन लोग हैं ये? वो कह हम साथ खेलते रहे हैं वो कह के फंस गए हैं ठीक है। ओके, और मेरी सियासत में मेरी पसंदीदा जमात डैश है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, मैं बड़ा नवाजिश आप। अरे लिया नहीं नाम आपका, अच्छा हो सकता है ले लें, कोई कह नहीं है। मेरी पसंदीदा जमात, झूठ नहीं बोलना सच बोलना। देखिए सियासत में अब मैं थोड़ी तमीज दे दूं आप, चले दे दें। हाँ, असल में क्या है कि इस वक्त जो पोजीशन पाकिस्तान की चल रही वो एक जैपनीज एक कहावत है हाँ, कि जो चीज आपकी नहीं है हाँ, उसे आप मत लें। ठीक है, जो चीज झूठ है उसे कभी ना कहें। ठीक है, जो चीज जिस चीज के बारे में आपको नहीं मालूम है
उसके बारे में खामोश रहे, ठीक है, तो मेरे ख्याल में मुझे खामोश रहना। अच्छा ओके सही है, आपके लिए भी लेसन है, अगर आपको शायरी के बारे में नहीं मालूम तो खामोश रहना। सर आखिरी सवाल ये, मेरा पसंदीदा शेर डैश है, तो इसमें आपने अपने जो भी पसंदीदा शेर हो, कथा हो, रुबाई, नज़्म, गज़ल, वो सुनाइएगा, लेकिन सर एक बात में एहतियात मोहतात रहिएगा, आपके बाद शायरी खत्म नहीं होगी, ये सुनाएंगे, ठीक है, और ये थोड़ा कांटे का मुकाबला होगा, और फिर आवाम फैसला करेंगे कि किसका शेर ज्यादा पसंद है। शायरी अच्छी करनी, उन्होंने बिगाड़नी है। अच्छा अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं इरशाद, इरशाद भाईजान, थैंक यू, एक छोटी सी नज़्म, ठीक है, हस्बे हाल अच्छा अच्छा, बताओ बताओ, वो आजकल ऐसा लगता है कि उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। मचते हैं आलम में तहलके, मचते हैं आलम में तहलके चलिए साहब और संभल के, मशके नाश तो कीजिए लेकिन धीरे धीरे हल्के हल्के, देख रही है उनको मेरे घर, देख रही है उनको मेरे घर, हैरत अपनी आंखें मलके। क्या बात है, और छुप ना सकेंगे आबे रवा से, अच्छा छुप ना सकेंगे आबे रवा से, सॉरी छुप ना सकेंगे आबे रवा के उस आंचल से, छुप ना सकेंगे फूल कमल के, और लूट लिया गैरों ने उनको, अच्छा लूट लिया गैरों ने उनको, शेर सुना के मेरी गजल के, कटते ही कटेगी शबे गम, छटते ही छटेंगे धुंधल के, और तूफान के तेवर पहचाने रहने वाले ताजमहल के। ओके वाह वाह क्या बात है, तूफान के तेवर पहचाने रहने वाले ताजमहल के, तुम भी हो मशहूर जमाना, हम भी हैं बदनाम अजल के। वाह क्या बात है, इसके बाद ये ना मेरे में हौसला नहीं है कि मैं एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ इस तरफ के अशआर सुनेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं जनाब अली। आप देख रहे हैं सिर्फ एक्सेल हरलम पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय आईसीआई ड्यूलेक्स, पावर्ड बाय सनसिल्क, ब्रॉट टू यू बाय WB बाय हिमानी एंड सपोर्टेड बाय माइको। सर ने शेर सुनाया है, सर आप तैयार हैं शेर सुनाने के लिए? जी जी, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सीनियर जो हैं, सर थैंक यू सर थैंक यू आप शेर जी, इरशाद एक कुत्ता किता अर्ज है, किता कैंची वाला काफ। अच्छा देखो, जबर जेर पेश तीनों आ गए। अर्ज किया है वसीम, आपकी आंखों के नजर ये शेयर करता हूँ, अच्छा कि आप कब मेरे दिल में आएंगे, आप कब मेरे दिल में आएंगे जी जी, मैं वजीर आजम बन गया हूँ, अब भाईजान वापस लंदन जाएंगे। थैंक यू सर। मैं शायान उनका दोस्त, उनको मिस कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी भाई। आप क्या कहते हैं कि इतना कम प्यार, प्यार के अलावा नहीं सकता कोई शेर वसीम भाई, माई लाइफ इज ऑल अबाउट लव। कहते हैं कि इतना कम प्यार क्यों देती हो और प्यार दो ना। आप मुंह तो ऐसा नहीं बनाओ, इसमें कौन देगा भाई। कहते हैं कि इतना कम प्यार क्यों देती हो और प्यार दो ना, इतना कम प्यार क्यों देती हो, रिपीट ना करें, बता सकले हाँ, वो भूल गया, और प्यार दो ना भाईजान, चिकन रोल के साथ रायता जरा और दो ना। क्या खेल आजाद, क्या ताल्लुक था ये, हरी हरी घास पे बकरे घास चर रहे थे, हरी हरी घास पे क्या खूबसूरत बकरे घास चर रहे थे, मेरे शेर को क्या कह रहे हैं, ये भी तो बकवास कर रहे थे। भाई वाह क्या कह रहे हैं आपकी भाईजान, प्राइम मिनिस्टर बन गए, आपके कांधों में नाजुक जिम्मेदारी है,
सर यार जो भी है ओहदे का एहतराम होता है, इस तरह तो नहीं। अरे इनको थोड़ी वो पीछे कह रहा हूँ, ऐसा जुमला किसी को भी नहीं बोलता। अच्छा वसीम भाई, खवातीन हजरात जी, अब आप भी नहीं, नहीं सर मैं तो आपके हक में बोल रहा हूँ। I love you. मैं बात का कायल हूँ कि तनकीद करनी चाहिए लेकिन विदिन लिमिट। मैं इस बात का कायल हूँ। So, जिनके ख्याल में सबसे अच्छा शेर उन्होंने सुना है वो तालियां बजा दें। हमेशा सच्चाई के साथ होते हैं लोग, सच्चाई के। अदब का शौक है इस कौम में, अदब का शौक है। जिनके ख्याल में उन्होंने सबसे अच्छा शेर सुना है वो तालियां बजा दें। थैंक यू, थैंक यू। कोई भी नहीं, ये तीन मेरे अपने ही लोग हैं। और जिनके ख्याल में सर ने सबसे अच्छा शेर सुना है वो यानी आज शुक्र है आज आवाम की जीत हुई है। आज आवाम की फाइनली कहीं तो हुई। चलो लेकिन अजीब सी बात है, सिर्फ यही हो रही है। हैरत तो हैरत तो मुझे ये हुई है। क्या सर? जो मेरे साथ तीन आए वो भी इनके लिए तालियां। चले जी तो हम बढ़ते हैं अपने मासूमाना ओवर की अगली गेंद की तरफ। चले सर, आदि भाई ने कुछ शायरी की दुनिया से निकल के क्या कर रहे हैं? ये मैं देख रहा हूँ आपको कितना एक गज चाहिए। नहीं ये काटू भाई, खराब हो जाएगा, अभी दिन बाकी है। सो ये कुछ सवालात इन्होंने मुरतब किए हैं। जिस सतह का शेर सुनाया था जी जी, उसी सतह के सवालात हैं। सही हो सकता है सवालात सुनने के बाद आपको शेर की सतह अच्छी लगने लगे, ये भी हो सकता है। तो अब आप इसके हिसाब से जवाब जो है वो नहीं, शेर की सतह तो बुलंद हो ही गई है। वो ही बुलंद हो गई है। अच्छा ठीक है, तो चले जनाब दिखाएं। पहला सवाल क्या है? आप ऑडियंस के अलावा किसी से मशवरा कर सकते हैं सेट पे बैठे हुए लोगों से। ठीक है जी, वो क्या है जो आए तो दुआएं ले और जाए तो बददुआएं ले? आए तो दुआएं ले और जाए तो बद दुआएं ले। कोई ये जो सिग्नल पे अचानक से एक बच्चा आके साफ करना शुरू कर देता है जी जी, उसको पैसे ना तो बदवाएं देके जाते हैं। अच्छा ये मेरे ख्याल है मेरे हिसाब से हुकूमत, हुकूमत आती है तो दुआएं लेती है लेकिन जाते जाते अनपॉपुलर हो जाती है। जी जी। अच्छा वैसे ये भी बड़ा मैं देख रहा हूँ पिछले आधे घंटे से आपने हमें टारगेट किया हुआ है। लेकिन मैंने टारगेट नहीं किया, मैंने कहा जो आए वो दुआएं ले, तो आप दुआएं ले रहे हैं। मैंने बताया आजकल तो आपका दुआओं का टाइम चल रहा है सर, अभी तो आए हैं ना आपको, तो मैंने कहा कि आप दुआएं लें बस। और जो हालात चल रहे हैं सकते हैं, मुझे लग रहा है एक हफ्ते बाद बदवाएं शुरू हो जाएंगी क्योंकि दुआओं से ही चलेगी। ये भी हो सकता है कि क्या चीज है जो आए तो दुआएं और जाए तो बददुआएं। ये DHA में रहने वाले बारिश में, अच्छा बारिश आती है तो दुआएं देते हैं यार बारिश हो गई, जब हो जाती है और डूब जाते हैं तो फिर बददुआएं देते हैं। अच्छा हाँ, वैसे मैं ये हिंट दे दूं, आपका जवाब टेक्निकली तो ठीक, मुझे ठीक लगता है। नहीं इन्होंने जो जवाब सोचा है ना वो कुछ कराची के मखसूस हालात के तनाजुर में भी है, यानी जैसे पानी या पानी के अलावा और क्या चीज होती है? गैस, गैस, बिजली। कराची में तो कुछ भी नहीं होता। कराची में कुछ बिजली ना पानी, कराची में ना सड़क ना सफाई, कराची में सिर्फ अफसोस होता है बस। कराची में बस हम लोग वही हमारा हशर है जो अब इनका जो इनके अशार के लेवल के। कराची में एक चीज और भी होती है। वो क्या? एहतेशाम भाई अपना नाम अख्तर भाई रख, अख्तर भाई रखते हैं। आप समझे बिजली। अख्तर भाई नाम क्या, कौन सा जवाब? बिजली, बिजली लॉक करें, बिजली बिजली। अब आगे तो आप दुआएं देते हैं यार, शुक्र है बिजली आगे जाती है तो आगे तो लानत भेज। अब जी हां, अच्छा बस यहां तक रहे। सो क्या बिजली लॉक करें, हुकूमत लॉक करें, क्या लगता है? मेरे ख्याल में बिजली भी ठीक है। बिजली, हां हां, आपके ख्याल में बिजली है या हुकूमत? अब कराची की आवाम है, सब सताए हुए दिखाए भाई। सही जवाब बिजली है, बिजली। ओके आती है तो क्या बात, आती है तो दुआएं, जाती है तो सही। चलो अगला सवाल दिखाएं। क्या अगला सवाल ये है कि ऐसा नाम जो दरख्त, परिंदे और फल का भी है। अच्छा दरख्त का नाम भी है, वो परिंदे का नाम भी और फल का नाम भी है, है? ये तो कोई मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा। मिस्टर ट्री, मिस्टर ट्री फल का नाम तो नहीं है? फल का नाम भी, फल का नाम भी है, दरख्त का नाम भी है, क्या हो सकता है? दरख्त का नाम क्या होता है? दरख्त का तो कोई नाम ही नहीं होता, नंबर होता है। होता है ना, ये अमरूद का दरख्त है, ये नारियल का दरख्त है, ये पता नहीं किसका दरख्त है, आम का पता नहीं। अगर अशरफ का दरख्त है। अशरफ का क्या? अशरफ के घर में लगा हुआ है। अच्छा अशरफ के, अशरफ मालिक का दरख्त। हाँ आप काफी इंटेलिजेंट हो। क्या हो सकता है दरख्त, परिंदे और फल का, क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से बुलबुल, बुलबुल परिंदा होता है। हाँ बुलबुल फल भी होता है। बुलबुल कौन सा फल होता है? मैं 5 सेकंड दे सकता हूं अगर आप ऑडियंस में से किसी को आता है इसका जवाब? नहीं भाई, ऑडियंस लिखा उसको नहीं आता। हाँ
सर कुछ आ रहे हैं जवाब आश्कार करें। असल में वक्त कम है प्रोग्राम का, सोच के तो बता सकते हैं, थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसको पास कर दें तो। हाँ, ये बहुत मुश्किल है वसीम भाई। कोई एक मशहूर अच्छा इश्तेहार भी शायद था वो, मशहूर से जूते वूते पता नहीं क्या, अक्सर कहते भी है ना, ये देखो कीवी है, असल में कीवी जो है यहाँ का फल नहीं है। हाँ, जरा सा मुश्किल ही था, थोड़ा मुश्किल। आखिरी सवाल देखते हैं कितना मुश्किल या आसान है। वो कौन सी चीजें धूप में पैदा होकर साए में मर जाती है, धूप में पैदा होकर साए में मर जाती है। ये तो पहले भी आपने पूछा, ख्वाहिश साए में मर जाती है। अच्छा, धूप में पैदा होती है और साए में मर जाती है। अरे बहुत आसान है, गर्मी दाने, गर्मी दाने, गर्मी सर क्या वैसे ये मेरे साथ बहुत होता है, ख्वाहिश। अच्छा, हर इंसान के साथ ही होता है ना ये, मेरे साथ एक दफा डर जाता हूँ मैं जब होता है। नहीं तो हर इंसान का हर वक्त होता है, धूप में पैदा होती है चीज और ये रोशनी है, साए में मर जाती है। नहीं, रोशनी, रोशनी धूप में पैदा होती है और साए में मर जाती है। लेकिन कुछ मुझे लगता है इसके सवाल में जवाब है, सवाल में जवाब है, सवाल में जवाब है। अच्छा, धूप में पैदा होकर साए में मर जाती है, पता नहीं। अच्छा भाई, है अच्छा भाई, छेड़ बासित भाई क्या कह रहे हैं, क्या जवाब है? साया, साया, आपका क्या ख्याल है सर? साया, 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 हम साया, हम साया। अच्छा साया। अच्छा भाई देखते हैं, सही जवाब साया है या कुछ और है? सही जवाब क्या? पसीना। क्या पसीना? आप किस तरह, ये क्या शाम में पसीना नहीं आ रहा क्या? आपने ही बनाया है ये, झूठ है ये, गलत है जवाब, ये गलत है, ये गलत है, आप पूरी डिबेट कर रहे हैं, नहीं मानता। एक मिनट, ये सवाल किसने बनाया? आपने, मारो मुझे। अच्छा, आपने गलती मान ली, गलत है। सही जवाब साया, इनका जवाब सही है, तालियां बजा देंगे। चलो भाई ठीक है, तो क्या हम ब्रेक ले रहे हैं? हम क्विकली जरा दिक्कत है, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा आते रहते हैं। आप देख रहे हैं हल्लामा पुरजोश, आते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। इस्लाम सुपर लीग में कल मैच है इस्लामाबाद और पिशावर का, देखते हैं कि किसकी राय में कौन जीतेगा। अब तक वैसे दोनों टीम्स ने 22 मैचेस खेले हैं, 12 पिशावर जीता है, 10 इस्लामाबाद जीता है। सर इस्लामाबाद और पिशावर में से कल कौन जीतेगा? इस्लामाबाद। ऑलराइट सर, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, आप दोनों का ख्याल है कि इस्लामाबाद। सर क्या लगता है कल के मैच में? सर कल का मैच जो हटा भी दे हाँ। तो भी हमेशा इस्लामाबाद ही जीतता है। अच्छा, इस्लामाबाद ही जीतता है हमेशा। अच्छा ठीक है, हाँ जी कामरान भाई, पिशावर, पिशावर, ओके, हाँ जी। पिंडी के अगेंस्ट तो मैं जा ही नहीं सकता। अच्छा, नहीं कहना तो इस्लामाबाद है, लेकिन ट्विन सिटी है ना। अच्छा ट्विन, तो जवाब हो आपका भी इस्लामाबाद, ठीक हो गया। चले भाई, सो इससे पहले कि हम जरा आखिरी कुछ मासूमाना सवाल पूछें, सर ये हमारा अलग आवाज से सर ये हो गया सवाल है, सर ये गेस्ट का है, हमें ये यकीन दिलाया है क्या कि हमारे पास इमदाद आएगी सर, वो आपको एक इमदाद की मत में एक सेगमेंट के लिए दिया था ना प्लीज। सर ये डब्ल्यू बी भाई हिमानी का एक नजराना है छोटा सा आपके लिए, इसमें कुछ खुशबू का तोहफा है, उसको दीगर दीजिए। थैंक यू सर। नई गवर्नमेंट आने का एक फायदा तो ये हुआ कि ये चीज वहां से इधर आ गई, वहां से निकल गई, आवाम तक दखल हो गए। सर बैठे बैठे भी सर क्विकली जाते जाते जरा हमें क्रिकेट रिलेटेड दो तीन सवाल के जवाब तो देते जाए, दिखाए भाई जरा पहली गेंद दिखाए। सर ये बताएं कि आपके ख्याल में बॉल किस तरफ जा रही है, ए बी या सी, क्या लग रहा है आपको? सी कह रहे हैं। अच्छा, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। अथर भाई ये तो फौरन जवाब दिया आप, ये अच्छा, ये हिट होने के बाद या हाँ, हिट होने के बाद है हाँ, ए बी या सी? हाँ ये मुझे लगता है कि ये सी जाएगी, सी की तरफ जा रही है। दिखा भाई बॉलर आ रहे और ये बी की तरफ जा रही है, गलत हो गया ये जवाब, बैट्समैन को खेलना, आपने सी कहा था जी जी, तो कैसे आपको तो क्रिकेट आपका तो इसलिए तो गलत कहा। अच्छा चलो अगला अगला सवाल दिखाएं, आदि वन और एहतेशाम भाई जीरो है इस वक्त, ए बी या सी? ये तो शाम भाई ये गेंद किधर जा रही है? ये मेरा ख्याल है कि सी, सी की तरफ जाए। और आपका क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से ए, ए या सी, देखते हैं, दिखाइए भाई। बॉलर आए गए और माशाल्लाह दोनों गलत हो गए। सो अब तक आखिरी गेंद है, एक पॉइंट इनका है और अभी शाम भाई का जीरो पॉइंट है इसमें, और ये आखिरी गेंद दिखा रहे हो, दिखाए भाई ये बताएं किधर जा रहा है, ए बी या सी? ए की तरफ जा रहा है, सी, और इनका ख्याल है सी की तरफ जा रहा है। दिखाएं भाई, बॉलर आएगा, अरे ए की तरफ चला गया है। क्या हम एक बॉल और दिखा सकते हैं आखिरी, जल्दी से पॉसिबल है? अच्छा नहीं, ओके चले, तो एक एक से मुकाबला हो गया बराबर। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम भाई के लिए, बहुत सारी तालियां, शुक्रिया सर, और जिंदगी रही।
सेहत रही तो इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए अभी तो क्यों खड़े हो गए प्रणाम, अल्लाह हाफिज़। वो हम स्टेप करते हैं ना बजाते हुए, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।